और ये बहुत अच्छे से हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्नेहा के किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा की सब्जी। तो राजमा की सब्जी बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, तो इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो ये है राजमा, हमने इसे 6-7 घंटे गला के रखा था और इसमें मतलब जब तक उबालो कि जब तक इसमें एक गल ना जाए अच्छे से, तो इसे हमने उबाल लिया है। आप देख सकते हो अच्छे से उबल गया है। और तड़के में हमने लिया है ये लहसुन है और ये कटी हुई अदरक है, जीरा है, 2-3 तेज पत्ता और कटी हुई प्याज 1-2 लिया हमने। यहाँ पे एक हरी मिर्ची है और ये बड़ी इलायची और ये दालचीनी। और हमें चाहिए टमाटर, यहाँ पे हमने 2-3 टमाटर ले लिया है और हमने पेस्ट बना के पहले रख लिया है। तो इसमें हमने धनिया और मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बनाया है। और मसाले में हमने यूज़ किया है ये हल्दी पाउडर, ये काली मिर्च और ये है गरम मसाला और ये है धनिया पाउडर, ये लाल मिर्ची और ये धनिया हमने ऊपर से डालने के लिए पत्ती ले ली है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। गैस को जलाते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम तेल डालते हैं। तो अब तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम तड़का डालते हैं इसमें। सबसे पहले हम अदरक डालेंगे और ये दालचीनी और इलायची और अब जीरा डालेंगे हम। लहसुन भी डालते हैं और प्याज तेज पत्ता हरी मिर्च साथ में डाल देते हैं। और इसको हम भुनेंगे जब तक ब्राउन नहीं हो जाता, इसे अच्छे से भुनेंगे। तो तड़का हमारा हो चुका है, आप देख सकते हो अच्छे से हो गया है। और अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे जो हमने बना के रख लिया था, और मसाला भी इसमें डालेंगे हम। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे हम इसमें और इसे अच्छे से भूनेंगे। जब तक बढ़िया से ना पक जाए इसे भूनना चाहिए, जब ही स्वादिष्ट बनता है सब्जी। तो आप देख सकते हो मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, आप देखिए। और अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और इसे भूनेंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए अच्छे से, तब तक इसे हम भूनेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो टमाटर हमारा गल चुका है, आप देख सकते हो, और ये बहुत अच्छे से गल गया है। और अब हम राजमा डालते हैं इसमें और इसे मिलाएंगे। और अब इसमें हम नमक भी डालेंगे, स्वाद के अनुसार डालिएगा। और इसे मिला देते हैं। और अब हम इसमें जो राजमा का पानी बचा था हमने उबाला था वही पानी हम डालेंगे, क्योंकि इसे फेंकना नहीं चाहिए इसलिए हमने रखा था। और अब इसे हम ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट, ऐसे छोड़ देंगे। अब इसे ढक देते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने इसे 15 से 20 मिनट तक पकाया है ऐसे ढक के।
तो देखिए ये पक्के एकदम तैयार है और ये बहुत अच्छे से हो गया है। और अब हम गैस को बंद करते हैं और आपको निकाल के दिखाते हैं हम ये कैसा बना है। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है, खाने में बहुत अच्छा होता है। तो अब हम इसमें धनिया की पत्ती भी डालेंगे ऊपर से। तो आप देख सकते हो कि हमने राजमा की सब्जी घर पे बहुत अच्छे से बनाई, आप भी बना सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।